super delighted and very excited. This is my fifth solo, and I'm very happy all of you could come. I'm very motivated and very inspired by all your presence. Thank you. Tell them the name of your exhibition. My new series is called Avtaran. It's an ode to my previous series, which was called Udaan. Udaan means the flight, and Avtaran means arriving. So here I basically... She has arrived. I've arrived, yes. So, yeah. Sir, how does it feel? Bahut, bahut. बधाई देना चाहता हूँ अनीता जी को कि बहुत ही खूबसूरत इनकी सोच है और एकदम एक नया डायमेंशन जो है वो आर्ट वर्क में मुझे देखने को मिला है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब बच्चे स्कूल में आर्ट करते हैं तो जो टीचर होते हैं वो कई बार डांट देते हैं कि अरे ये कलर क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये शेप क्यों किया, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों की जो सोच है उस पर लिमिटेशन ले आते हैं, अंकुश लगा देते हैं, और जिससे बच्चा फिर उम्र भर जो है वो आज़ाद नहीं हो पाता उस डर से। तो एक शेर मैंने कहा कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों पे कोई रोक टोक ना लगाएं, उनको जो करना है वो उनकी सोच है, वो उनकी क्रिएटिविटी है, उसमें उनको सपोर्ट करें। और माँ बाप भी जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, जो अरे इसको ये करना है, इसको ये क्लास भी करवाना है, इसको ये क्लास भी करवाना है, और उसका पूरा दिन भर का प्रोग्राम बना देते हैं। और एक शेर बड़ा अच्छा और मुझे याद आ रहा है, एक नया शेर याद आ रहा है। अब नींद भी बच्चों को सुहानी नहीं आती, अब नींद भी बच्चों को सुहानी नहीं आती, और माओं को भी परियों की कहानी नहीं आती। वो बच्चा जो है वो मेड़ के साथ बड़ा हो रहा है, वो आया के साथ बड़ा हो रहा है, तो अब नींद भी बच्चों को सुहानी नहीं आती, और माओं को भी परियों की कहानी नहीं आती, बचपन गुजरते ही आ जाता है बुढ़ापा, इस दौर में बच्चों पे जवानी नहीं आती। तो बच्चों को जो है वो बड़े होने देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, मिट्टी में खेले, कीचड़ में खेले, उनको जो करना है वो जो है ना वो बेसिक जो है वो हम लोग अब वो मिस कर रहे हैं। अब जो माँ बाप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि बच्चा वो डॉक्टर बन जाए, बच्चा सिंगर बन जाए, लेकिन बच्चे को शायद पेंटर बनना है, तो उसकी जो उड़ान है उसको उड़ने दीजिए, उस परिंदे को उड़ने दीजिए। और एक बड़ा खूबसूरत चीज के निकाल लाया हूँ, निकाल लाया हूँ एक पिंजड़े से एक परिंदे को, एक केज में से एक बर्ड को निकाल लाया हूँ, निकाल लाया हूँ एक पिंजड़े से एक परिंदे को, अब उस परिंदे के दिल से पिंजड़ा निकालना है। वो जो खौफ है उसका कैद होने का, उससे उसको आज़ाद करना है। तो मैं अनीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अभी तो आपका आगमन हुआ है, अब फिर नया आकाश जो है वो आपके लिए वेट कर रहा है, आप जितनी उड़ान उड़ सकते हैं। और मैं ऑल द बेस्ट आपके पूरे टीम को, और अनुषा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो हैप्पी, यस, आपने जो शेर सुनाए हैं दे आर सो एप्ट विद माय थीम, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे पेंटिंग्स देख के दैट गॉट इवोक्ड इन यू, यू कुड, दिस इज व्हाट केम आउट ऑफ यू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रीच एट। थैंक यू, सो आई हैव एक्चुअली अराइव्ड एट। थैंक यू सो मच। ठीक, कला प्रेमियों के लिए, कला रसिकों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो कला को देखें, समझें, परखें और प्रोत्साहित हों।
कैन आई टॉक इन हिंदी और इंग्लिश? जो जो गीतकार होता है, जो कवि होता है, वो अच्छा कलाकार होता है. जो अच्छा कलाकार होता है वो अच्छा खाना बना सकता है. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट इज़ कनेक्टेड टू मेनी सब्जेक्ट्स, इज डांस, ड्रामा, म्यूजिक, लिटरेचर एंड पेंटिंग एंड स्कल्पचर आर इंटरकनेक्टेड. सो एनीबडी हु इज गुड एट वन थिंग इज ऑटोमेटिकली गुड एट ऑल दी अदर थिंग्स. बेशक. और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कला आपको अपने मन की भावना प्रकट करने के लिए मौका देती है. लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको रंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है. मैं बताना चाहता हूँ कि रंगों का चयन बहुत ही मुश्किल काम होता है. आप कौन सा रंग चुनते हैं अपनी भावना प्रकट करने के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कलाकार के लिए. लेकिन इस पेंटिंग में मैंने कई रंगों का समागम देखा है. कलर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू हैंडल एंड मिक्सिंग कलर्स इज इक्वली डिफ़िकल्ट. लेकिन जब किसी दो या तीन रंगों का संगम होता है, उससे निकली हुई उत्पत्ति पेंटिंग पर असर करती है. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैपन टू ह्यूमन माइंड. और आज मैं बता रहा था, शायद आपके मित्रों को बता रहा था, कि यू पेंट बाई माइंड नॉट ब्रेन. यू फील बाई हार्ट, यू कांट पेंट बाई हार्ट. तो ये जो पेंटिंग्स हैं इसको हम महसूस इसलिए अच्छी तरह कर सकते हैं क्योंकि जिस माइंड ने इसको बनाया है वो कुछ कहना चाहता है. आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से ये समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. लेकिन इन पेंटिंग को देखने का सबसे बड़ा मज़ा तब है जब आप कलाकार को पूछें कि उनके मन में क्या भावना थी और उन्होंने उसको कैसे प्रकट करने की कोशिश की, और प्रकट करते वक्त क्या वो खुश है कि उनको और कुछ करना है. ये प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है. अनीता जी की एक और बात हमें पसंद आई. हम हर साल महाराष्ट्र में इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग और एलिमेंट्री ग्रेड ड्राइंग की परीक्षा लेते हैं जिसमें 7 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. और ये भावना कि बच्चों को मर्यादित स्वरूप से एक चौकट में बांधा जाता है और उनको कहा जाता है उनको कैसे किया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है. बच्चों को खेलने देना चाहिए. वी शुड लेट चिल्ड्रेन नरिश देयर माइंड बिकॉज दैट इज़ देयर ओनली टाइम व्हेन दे हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. आप उनसे उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं. और पेंटिंग ही ऐसा माध्यम है जो आपको कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है. तो किसी भी बच्चों को पेंटिंग द्वारा आप उसको मौका दे रहे हैं अपनी भावना प्रकट करने का. इसीलिए पेंटिंग को साधारण ना समझ के जो आपने अपने रंगों द्वारा प्रकट किया है और लोगों को दिखाने की कोशिश की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने हमें इधर बुलाया, इसके लिए हमें बेहद खुशी भी है और हम आपके धन्यवाद भी करते हैं. और हम चाहते हैं कि आप JG स्कूल ऑफ आर्ट में आएँ, अपनी कलाकृति वहाँ पर भी प्रदर्शित करें ताकि हमारे नए उभरते कलाकारों को कला जगत में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, इस बात की जानकारी मिले. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर. इट्स एन ऑनर टू बी हियर. योर वर्क इज एक्सेप्शनल. आई विजिटेड योर एग्जीबिशन लास्ट टाइम. आई थिंक यू हैव इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली एंड आई होप यू कीप गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. And I think we are honored to be standing next to Sir, who's the head of the JJ School of Art. And I think if he's appreciated you, I think that's a very big thing to say. And Rathod Saab is also here. So we are honored to be here with you. May you keep growing from strength to strength and looking forward to seeing more of your work. Thank you. Thank you so much. Well, I want to congratulate Anita ma'am about this exceptional work. You know, there's something that I noticed in every palette. जैसे आपने, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों ने ही बोल दी है, मेरे लिए तो कुछ भी छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए. बट जितना मेरी छोटी सी बुद्धि समझ पाई है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे पंछी देखे हैं हर जगह पर, और हर एक पैलेट अलग अलग शेप का है, साइज़ का है, फिगर्स हैं. और मुझे लगता है वो पंछी कहीं ना कहीं अनीता जी हैं और वो हर एक पैलेट में, हर एक स्पेस में उड़ रही हैं, अपने आप को डिस्कवर कर रही हैं, अपने आप को और मज़बूत बना रही हैं. एंड एज़ यू राइटली सेड दैट यू हैव अराइव्ड,
I feel there is far more that you have to arrive now. And I wish you all the very best. It's a beautiful concept and fabulous. Please keep doing more wonders like this. Thank you so much. Thank you. Sir, how are you feeling today? Kaisa lag raha hai? So as Anita said, she said 5 exhibitions. I have been fortunate to attend all 5 of them. And I'm a close family friend to Vinay and Anita. And as Parvez also mentioned, you know, her art is improving every time you see. And what I like the best about her painting, it just lights up the place, you know. The choice of colors which she used, you know, I had seen the exhibition last time at the Soho House also. And they had placed her painting at the entrance. And it just lit up the entire store. In fact, I told Soho House, keep it permanently. For the very drab reception you have, it just lit up the entire place. So keep on doing the good work, Anita, and wish you all the best and success. Thank you. Roshni, how do you feel? Anita, I think your work is exceptional. The colors, the happiness it projects, you know, the vivid colors. I was very impressed. And I almost did not come, but I'm so glad I came today because the work is excellent and lovely to meet you. All the best. A person who's a great painter has to be a great cook. So hopefully Anita will invite you for dinner. So we can, not you. All of us. All of us. So that we can taste the great food as well. Yeah. Sarabar, yeah. Jo Rajiv ji ne baat kahi ke ye jo paintings hai ye dimaag se nahi bane hai. ये दिल से बनी है और इसमें अनिता जी की पूरी सोच जो है वो नज़र आती है कि इसमें कोई दो और दो चार का गणित नहीं है कि ये इसके साथ ये कलर अच्छा लगे. एक फ्रीडम है, एक आज़ादी है. तो एक शेर और नज़र. हाँ सर प्लीज, वी एंजॉइंग दम. कि कैसी अजीब शर्त है कि दीदार के लिए किसी को देखना हो तो कैसी अजीब शर्त है कि दीदार के लिए आंखें जो बंद हो तो जलवा दिखाई दे. वाह, क्या मतलब. तो ये बंद आंखों से देखी हुई सारी चीज़ें हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर तस्वीर में मढ़ा है. और एक शेर इनके लिए कि दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब. दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे सब. खतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे. अरे वाह. खतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे और पड़ती है उस बदन पे सात रंगों की छूट. जो रंगों की बात सर ने की तो पड़ती है उस बदन पे सात रंगों की छूट. जो रंग वो पहन ले सो गहरा दिखाई दे. वाह वाह. थैंक यू जितना भी आपने काम किया है, बहुत ही खूबसूरत काम किया है. और हम वेट करेंगे खाने का, तो ये हम सब आने वाला. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू.